हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, एक छोटा सा यूज पाई चार्ट का आपको दिखाता हूँ। ये गूगल शीट मैंने ओपन की है, ये देख सकते हैं। और ये छोटा सा डेटा हमारे पास मौजूद है। अब इस डेटा को आपको करना है सेलेक्ट, बहुत आसान है। देखिए, डेटा को सेलेक्ट कीजिए। अब ये इंडिया में ये नंबर्स कुछ एक डेटा लिया है मैंने, और यहाँ पे कंट्री है और यहाँ पे नंबर है, तो ये नंबर्स दिए गए हैं इन कंट्रीज को। तो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, और हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, और यहाँ से नीचे आ जाइए। और यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आपको चार्ट दिखाई पड़ेगा, ये चार्ट दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से आप चार्ट पे जा सकते हैं। तो ये चार्ट पे चले जाएंगे तो जो भी आपको देखिए, ये पाई चार्ट बाय डिफॉल्ट आ गया। ये अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये पाई चार्ट है आपका। और यहाँ पर इंडिया की जो परसेंटेज है वो देखिए, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है वो इंडिया का है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जापान का हिस्सा है, ये जापान का हिस्सा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ये यूएस का हिस्सा है, ये देखिए, ये छोटा सा ग्रीन वाला जो बीच का हिस्सा है, ये यूएस का हिस्सा है, और ये रशिया है। तो कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हैं।